हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ ख्याति सेठी वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट आई होप यू ऑल फाइंड सो फ्रेंड्स आज हम पोइट्री सेक्शन की फोर्थ पॉइंट ग्रज़िया द टाइगर्स करेंगे इससे पहले हमने मेन कोर्स बुक के फोर चैप्टर्स कर लिए लेसन वन हैप्पी प्रिंस लेसन टू वेयर इज साइंस टेकिंग अस लेसन थ्री सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड लेसन फोर द गिफ्ट फॉर क्रिसमिस इन फोर चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं इसके अलावा पोइट्री सेक्शन की थ्री पॉइंट्स कर ली हैं पॉइंट वन करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन पॉइंट टू डेथ द लेवलर एंड पॉइंट थ्री अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह इन थ्री पॉइंट्स के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर्स और पॉइंट नहीं किए हैं वो कर लीजिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके अलावा चैप्टर्स की इंग्लिश प्रोज सेक्शन नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है पोएम्स की इंग्लिश पोइट्री सेक्शन नाम से प्ले बनी हुई है और क्वेश्चन आंसर्स की क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल चैप्टर नाम से अलग से प्ले बनी हुई है इन तीनों प्ले का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो so फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे पॉइम फोर्थ रजिया द टाइगर रिटर्न बाय के के एन दारूवाला सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइम है सो so प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो सो so फ्रेंड्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया है और उनके मीनिंग्स मैंने हिंदी में साथ में लिखे हैं इसके अलावा स्टैंडर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे हैं ताकि जो पॉइम है आपको अच्छे से समझ आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की पोइम रजिया द टाइग्रेस द टाइग्रेस रजिया लाइव्स अलोन हर टू कब्स हैवंट येट शेरू प्लेड विद देम एंड कब्ज है इज गटा शेम सो फ्रेंड्स इस टेंजा में जो पॉइट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि रज़िया नाम की एक टाइग्रेस है जो कि अकेली रह रही है उसके दो बच्चे हैं यानी कि कब्ज़ हैं जिनका अभी तक नाम भी नहीं रखा है उनका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है जो शेरू है वो रजिया का हस्बैंड है वो टाइगर है वो मुश्किल से ही अपने बच्चों के साथ खेला होगा पर जो अब शेरू है वो अपनी वाइफ रज़िया और अपने छोटे बच्चों को छोड़ जा चुका है ये कितनी शर्म की बात है सो so फ्रेंड्स इस टेंजा में जो पॉइट है वो यही कह रहे हैं कि रज़िया और शेरू टाइगर्स एंड टाइगर हैं उनके दो छोटे बच्चे हैं जिनका अभी तक नामकरण भी नहीं हुआ है जो शेरू है वो अपनी वाइफ रज़िया और अपने छोटे बच्चों को छोड़कर चला गया है ये कितनी शर्म की बात है सो so फ्रेंड्स देख लेते हैं इस टेंजा के क्वेश्चन आंसर्स तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पॉइम एंड दॉइट इस कविता और कवि का नाम बताइए तो इस कविता का नाम है रज़िया द टाइग्रेस एंड द पॉइट नेम इज़ के के एन डारूवाला सेकेंड क्वेश्चन है हु वर रजिया एंड शेरू रज़िया और शेरू कौन थे तो इसका आंसर है रजिया वाज़ अ फीमेल टाइगर एंड शेरू वाज अ मेल टाइगर जो रजिया थी वो टाइग्रेस थी और जो शेरू था वो टाइगर था क्वेश्चन नंबर थर्ड वट हैड शेरू डन शेरू ने क्या किया था तो इसका आंसर है शेरू हैड लेफ्ट रज़िया शॉर्टली आफ्टर द बर्थ ऑफ द टू कब्ज जो शेरू था अपने दो बच्चों के जन्म के थोड़े समय बाद ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़कर चला गया था सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टेंजा फर्स्ट है और उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं तो चलिए देखते हैं सेकंड स्टेंजा सेकंड स्टेंजा है शेरू वाज एन एक्सपर्ट ऑन विंड्स जो शेरू था वो विंड्स में एक्सपर्ट था उसे विंड्स के बारे में अच्छी जानकारी थी न्यू हाउ दे टर्व्ज डेल एंड हिल जो शेरू था वो जानता था कि जो हवाएं हैं वो घाटी और पहाड़ी के ऊपर किस तरह से बहती हैं सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दे शब्द है वो विंड्स को रेफर करता है वो विंड्स को संबोधित करता है एंड वेयर दे अप फॉर द नाइट वो ये भी जानता था कि जो हवाएं हैं रात में कहाँ पर रहती हैं या कहाँ पर ठहरती हैं वेन नो लिव स्टर्ड एंड ओल व स्टिल जो हवाएं हैं वो रात में ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ पर बिल्कुल शांति हो जहाँ पर एक भी पत्ता ना हिलता हो सो so फ्रेंड्स इस टेंजा में जो पॉइंट है वो यही कहना चाहते हैं कि जो शेरू था वो शिकार करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था उसे विंड्स के बारे में अच्छी जानकारी थी उसे ये पता था कि कौन सी दिशा से हवाएं अच्छी चलती हैं कौन सी दिशाएं से हवाएं नहीं चलती हैं वो ये भी जानता था कि घाटी और पहाड़ी के ऊपर हवाएं किस तरह से बहती हैं वो उन सभी स्थानों के बारे में जानता था जहाँ रात के समय बिल्कुल भी हवा ना चलती हो एक भी पत्ता ना हिलता हो जहाँ पर बिल्कुल शांति हो सो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं इस टैंडा जाके क्वेश्चन आंसर्स तो फर्स्ट क्वेश्चन है वट स्पेशल नॉलेज डिड ही हैव शेरू के पास क्या स्पेशल नॉलेज थी वो किस चीज़ में एक्सपर्ट था तो इसका आंसर है ही वॉज एक्सपर्ट इन द नॉलेज ऑफ विंड्स एंड देयर डायरेक्शन जो शेरू था उसे विंड्स और उनकी डायरेक्शन यानी कि दिशाओं के बारे में अच्छा ज्ञान था उसे अच्छी जानकारी थी वो विंड्स के मामले में एक्सपर्ट था सेकेंड क्वेश्चन है वट डज़ दर्ड दे हेयर रेफर टू जो शब्द है दे यहाँ पर किसको रेफर करता है किसका उल्लेख करता है तो इसका आंसर है द वर्ड दे रेफर टू दंड्स जो शब्द है दे वो विंड्स को रेफर करता है क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डिड शेरू वॉन्ट अ प्लेस वेयर नो लिव स्टर्ड जो शेरू था वो ऐसा स्थान क्यों चाहता था जहाँ पर एक भी पत्ता ना हिलता हो जहाँ पर बिल्कुल शांति हो तो इसका आंसर है दर्ल्स ही कुड ईजली डिस्टिंग्विश साउंडस मेड बाय अदर फॉरेस्ट एनिमल्स वो ऐसा स्थान इसलिए चाहता था क्योंकि वो फॉरेस्ट एनिमल्स यानी कि जो जंगली जानवरों की आवाज़ें हैं जो साउंड्स हैं उन्हें आसानी से पहचान सके इसलिए वो ऐसा स्थान चाहता था सो फ्रेंड्स सेकेंड स्टैंड और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम पर ऑफिशियल चैनल बना हुआ है सतगुरु इंस्टीट्यूट के नाम से आप सतगुरु इंस्टीट्यूट को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स की पीडीएफ सभी चैप्टर्स के यूट्यूब वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे सो so फ्रेंड्स आप टेलीग्राम चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा तो थर्ड स्टेंजा है ही न्यूज जो शेरू था अपने एरिया की जो विंड्स थी उसे अच्छे से जानता था उनके आने और जाने के रास्ते को भी वो जानता था ही न्यू द डियर वुड स्मेल हिम आउट इफ वर डाउन विंड वो ये भी जानता था कि अगर वो हवा बहने की दिशा में होगा तो जो हिरणों का झुंड है उसे उसकी गंध से पहचान लेगा सो ही वुड बेली क्रॉल एंड क्राउच एंड टेक लॉन्ग सर्कुलर रूट्स अपनी गंध हिरनों के झुंड तक ना पहुँचे इसलिए जो शेरू था वो पेट के बल रेंगते हुए लंबा वर्ता कर मार्ग लेता और सिकुड़ कर बैठ जाता हाइडिंग बिहाइंड बुश एंड श्रब और झाड़ी और पत्तियों के पीछे जाकर छुप कर बैठ जाता वंस ही न्यू ही सेंट वुडेंट कैरी इन अ फ्लैश ही वुड इरप्ट एक बार अगर उसे इस बात का विश्वास हो जाता कि जो हिरनों का झुंड है उसकी गंध से उसे अब नहीं पहचानेगा या अब उसकी जो गंध है हिरनों के झुंड तक नहीं पहुंच रही है तो वो एक ही पल में अपने शिकार की तरफ छलांग लगाता है एक ही पल में अपने शिकार की तरफ झपटा मारता है सो so, फ्रेंड्स इस टेंजा में जो पॉइंट है वो यही कहना चाहते हैं कि जो शेरू था उसे विंड्स के बारे में अच्छी जानकारी थी उसे विंड्स के आने और जाने का रास्ता पता था और वो इस बात से बचता था कि हिरनों को झुंड को उसकी गंद के बारे में ना पता लगे इस बात से बचने के लिए वो पेट के बल रेंगते हुए लंबा सर्कुलर रूट लेता और सिकड़ कर झाड़ियों और पत्तियों के पीछे जाकर बैठ जाता जब उसे इस बात का विश्वास हो जाता कि जो उसकी स्मेल है अब हिरनों के झुंड तक नहीं पहुंच रही है तब वो एक ही पल में अपने शिकार की तरफ झपटा मारता या छलांग लगाता सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ स्टैंडर है वो कंप्लीट होता है इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल अकाउंट बना हुआ है आप इंस्टाग्राम पर सतगुरु इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं इन स्टैंड के क्वेश्चन आंसर्स तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु डू दीज लाइन्स रेफर टू इन लाइन्स में किसका उल्लेख किया गया है तो इसका आंसर है दीज लाइन्स मैंशन द मेल टाइगर शेरू ये जो लाइन्स हैं ये मेल टाइगर शेरू को मैंशन करती हैं क्वेश्चन नंबर टू वाई वुड द टाइगर क्रॉल एंड क्राउच जो टाइगर शेरू था वो क्यों रेंगता और सिकुड़ कर बैठता तो इसका आंसर है ही वुड क्रॉल एंड क्राउच टू कीप हिमसेल्फ इनविजिबल फ्रॉम द डियर वो रेंगता और सिकुड़ कर बैठ जाता ताकि वो अपने आप को हिरनों के झुंड से इनविजिबल रख सके अदृश्य रख सके क्वेश्चन नंबर थर्ड वट डू दीज लाइन्स शो अबाउट द टाइगर ये जो लाइंस हैं ये टाइगर के बारे में क्या शो करती हैं तो इसका आंसर है दीज लाइंस शो दैट द टाइगर वाज वेरी इंटेलिजेंट ये जो लाइंस है ये शो करती हैं कि जो टाइगर है वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था वो बड़े ही चलाकी के साथ अपना शिकार करता था सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट एजाज डियर हैड एंड स्निफ्ट दैट थिक एंड मस्टी स्मेल ऑफ हिज विच पीपल डब्ड एज टाइगर सेंट जो डियर होते हैं जो हिरणों का झुंड होता है वो घनी और बासी गंध को सूंघ नहीं पाता है इस गंध को लोगों ने टाइगर सेंट का नाम दिया है ही गोड द स्टैक जो शेरु होता है वो किसी एक हिरण पर हमला करता है यानी कि जो शेरु होता है वो हिरणों के झुंड में से किसी एक हिरण को चुनता है और उस हिरण पर झपटा मारता है His claw fell like giant club, on neck and antler both were crushed. जो शेरु होता है वो अपने पंजे को हनुमान जी के विशाल गदा के रूप में इस्तेमाल करते हुए हिरन की गर्दन और उसके शानदार सिंगों पर झपटा मारता है और जो हिरन की गर्दन होती है और उसके जो सिंग होते हैं उन दोनों को कुचल देता है नाओ अब जो शेरु है वहाँ से जा चुका है नोट एनी मोर डू पीपल अब जो वहाँ के लोग हैं यानी कि वहाँ के जो जंगली जानवर है उसकी भयानक गंध से नहीं डरते हैं क्योंकि जो शेरु है वहां से जा चुका है पग मार्ग ऑन द फ्लोरेस्ट फ्लोर अब जो शेरु के पंजे के निशान है वो भी फॉरेस्ट की जमीन पर फॉरेस्ट की धरती पर देखने को नहीं मिलते हैं सो so फ्रेंड्स इस टैंजा में जो पॉइंट है वो यही कह रहे हैं कि जो डियर होते हैं वो टाइगर की स्मेल को सूंघने में असमर्थ होते हैं जिससे जो टाइगर होता है वो हिरण पर झपटा मारता है और अपने पंजे को हनुमान जी के विशाल गदा के रूप में इस्तेमाल करते हुए हिरण के गर्दन और सिंग पर हमला करता है और दोनों को कुचल देता है अब जो शेरू है वहाँ से जा चुका है सो so, शेरू जा चुका है तो वहाँ के जो जंगली जानवर हैं अब उसकी भयानक गंध से नहीं डरते और अब जो उसके पंजे के निशान हैं वो भी फॉरेस्ट फ्लोर में देखने को नहीं मिलते सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फिफ्थ और सिक्स्थ स्टैंडर है वो कंप्लीट होता है इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का फेसबुक पेज बना हुआ है सतगुरु इंस्टीट्यूट ऑफिशियल के नाम से आप इस फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर कर सकते हैं तो चलिए इन स्टैंड के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द टाइगर अटैक द स्टैग टाइगर ने किस तरह से हिरन पर हमला किया था तो इसका आंसर है द टाइगर पाउंस्ड अपॉन द डियर एंड क्रस्ड हिज नेक एंड एंटलर विद हिज क्लो जो टाइगर था उसने डियर पर झपटा मारा और अपने पंजों के साथ डियर की गर्दन और उसके सींगों को कुचल दिया था सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड द पॉइट डिस्क्राइब द टाइगर क्लो जो पॉइट हैं कवि हैं उन्होंने टाइगर के पंजों का किस तरह वर्णन किया है तो इसका आंसर है ही कॉल्स इट अ जॉइंट क्लब जो पॉइंट हैं उन्होंने टाइगर के पंजों को ज्वाइंट क्लब कहा है यानी कि विशाल गदा थर्ड क्वेश्चन है वाई आर पीपल नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द टाइगर सेंट अब जो लोग थे वो टाइगर की गंद से क्यों नहीं डरते थे तो इसका आंसर है पीपल आर नो लॉन्गर अफ्रेड बिकॉज शेरू इज नाउ क्योंकि अब जो शेरू था वहां से जा चुका था इसलिए जो लोग थे टाइगर की गन से नहीं डरते थे फोर्थ क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक शेरू इज ग नाउ आपको क्या लगता है शेरू वहाँ से क्यों चला गया था तो इसका आंसर है दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन एंड शेरू कैन नॉट फाइंड एनी एनिमल टू हंट फॉर हिज फूड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फॉरेस्ट काट दिए गए हैं और शेरू को भोजन के लिए शिकार करने के लिए अब कोई जानवर नहीं मिल सकता इसलिए जो शेरू था वहाँ से चला गया सो फ्रेंड्स यहाँ पर फिफ्थ एंड सिक्स स्टैंडर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का ट्विटर पर ऑफिशियल अकाउंट बना हुआ है आप ट्विटर पर सतगुरु इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंडर्स ग्रीफ एंड फीयर स्टार्ट कम्पेटिंग इन रजिया के दिल में दुख और डर की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई विदू गिल दाइस हाउंड अब जबकि शेरू जा चुका है तो क्या हाइंस उसके बच्चों को शिकारी कुत्तों की तरह नोच नहीं देंगे कैन शी लिव द लिटल वंस अलोन वेन शी गोज हंटिंग फ्लैश एंड बोन जब रजिया मांस और हड्डी का शिकार करने के लिए जाए तो क्या वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़ दे द टाइग्रजिया लाइव इन फीयर जो रजिया थी वो हर समय डर में रहती अ ग्रेटर ड्रेड अगेन द पोचर्स विद गर इससे भी बड़ा डर ये था कि जो पोचर्स थे वो कभी भी अपनी गन्स के साथ यहाँ पर दोबारा आ सकते थे सो फ्रेंड्स इन स्टेंजर्स में जो पॉइंट है वो ये कहना चाहते हैं कि शेरू के जाने के बाद जो रज़िया थी वो हर समय दुख और डर में रहती उसे हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती कहीं हाइंस उसके बच्चों को शिकारी कुत्तों की तरह नोच न दें या कहीं पोचर्स दोबार से अपनी गन्स लेकर कभी भी प्रगट ना हो जाए या कभी भी यहाँ ना आ जाए सो फ्रेंड्स हाइंस का मीन होता है अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाला कुत्ते जैसे जंगली जानवर जो लाशों का मांस खाता है और मनुष्यों की हंसी जैसे आवाज़ निकालता है हाइंस का मीन्स होता है कि अफ्रीका और एशिया में ऐसे कुत्ते पाए जाते हैं जो जंगली जानवर जैसे होते हैं जो कि मनुष्य यानी कि ह्यूमन बींग का मांस खाते हैं और मनुष्य जैसे ही हंसी की आवाज़ निकालते हैं और वहीं ही पोचर्स का मतलब होता है शिकार चोर या कानूनी ढंग से शिकार करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं पोचर्स सो so फ्रेंड्स ये जो पोइम है बेसिकली हमें यही बताना चाहती है कि हम अपने फ़ायदे के लिए जंगलों की कटाई कर रहे हैं जिसकी वजह से जंगली जानवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है हम जंगली जानवरों की जो ज़मीनें हैं उन पर अनुचित यानी कि इलीगल तरीके से कब्जा कर रहे हैं जिसकी वजह से जानवरों की खुद के रहने के पास कोई जगह नहीं है सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पोइम है वो कम्प्लीट होती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए तो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप वॉचिंग सदगुरु इंस्टीट्यूट